कानून स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का लगातार हनन नहीं कर सकता। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी यूएपीए के आरोपी को जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कानून का कहा प्रावधान आरोपी को जमानत देने से संवैधानिक कोर्ट को नहीं रोक सकता। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के एक आरोपी को जमानत दे दी है। जस्टिस जेबी पार्डीवाल और उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। किसी कानून के दिए गए जमानत के सख्त प्रावधान से स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रभावित होने से बचना संवैधानिक कोर्ट का दायित्व है। ध्यान रहे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संवैधानिक कोर्ट का दर्जा हासिल है, उन पर लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का जिम्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अदालतों की इसी शक्ति को उल्लेख किया है। 26 पन्नों के आदेश में कहा गया है कि कोई भी सख्त कानून मौलिक अधिकार को बेवजह प्रभावित न कर सके, ये सुनिश्चित करना संवैधानिक अदालतों का काम है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी आरोपी को जमानत देते समय ऐसी शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए जिससे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूरी तरीके से प्रभावित हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस आरोपी को बेल दी है, 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी टेररिस्ट कोर्ट यानी एटीएस ने उसे लगभग 25 लाख कीमत के नकली नोट के साथ भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार करने का दावा किया था। पुलिस ने आरोपी शेष जावेद इकबाल उर्फ अशरफ अंसारी पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। वो 8 साल से अधिक समय से जेल में है। 2021 में हाई कोर्ट ने मुकदमे से पहले उचित मंजूरी न मिले जाने से के चलते उसे रद्द कर दिया था। हालांकि पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दिया है। वहीं ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।